Good afternoon, kids. Again, Kusumam is here for one new topic. Before going to the topic, we will recite one rhyme. So, you should be active for rhyme. You already know the rhyme, but we should revise it one time again. Early to bed. Early to rise, early to bed, early to rise. Make calm and healthy, wealthy and wise. You all know we should go for sleep early. हमें रात को जल्दी सोना चाहिए. बहुत देर तक आपको नहीं जागना चाहिए. जब मामा कहेगी go to for sleep, you should go for sleep. And always speak good night to everyone. And you should wake up early in the morning. And what will you say? जब आप morning में wake up हो जाते हो, उठ जाते हो, after that you will go for washroom. And after that what you will do? Think. You will go for brush your teeth. So let's see. The girl is doing brushing. वो क्या कर रही है? Brush कर रही है. We should brush our teeth twice a day. How many times? Twice a day. One time in the morning and one time before going to sleep. और आपको अपनी teeth clean करने के लिए क्या चाहिए होता है? Toothbrush and toothpaste. We need toothbrush and toothpaste for brush your teeth. You should brush your teeth twice a day. And after that we will... Okay kids, this boy is going for bath. We should take bath every day. आपको डेली नहाना चाहिए. एंड डोंट से आज मैं नहीं नहाऊंगा. इन विंटर सीजन देयर आर टू मच कोल्ड. एंड यू से नो मामा, आई डोंट वांट टू टेक बाथ. दिस इज नॉट गुड. यू शुड टेक बाथ डेली एंड विथ सोप. एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर बाथ, यू शुड डोंट वेस्ट द वॉटर. आपको जो है ना, जब भी आप नहाते हो, बात करते हो, तो वाटर को बकेट में फिल करना चाहिए. आपको नहाने के बाद शावर को प्रॉपरली बंद कर देना चाहिए. डोंट वेस्ट द वॉटर. वॉटर इज वेरी प्रीशियस. अगर हम वॉटर वेस्ट करेंगे तो वॉटर क्या होगा? फिनिश हो जाएगा. यू शुड आफ्टर बाथ वी शुड वियर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स. आपको हमेशा जो है क्लीन और आयरन क्लोथ्स पहनने चाहिए. क्लीन मतलब डेली आपको धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए. और उनको हमें क्या करना चाहिए? आयरन करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए. एंड बॉयज शुड वियर शर्ट एंड गर्ल्स लाइक टू वियर फ्रॉक. बट यू शुड वियर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स. कभी भी हमको जो है ना, जो आज आपने क्लोथ्स पहने हैं, नेक्स्ट डे नहीं पहने. यू शुड वियर क्लीन क्लोथ्स. इससे क्या होता है, वो हमें जो है ना, कई बार क्या होता है, उनमें जर्म्स होते हैं, हम बीमार भी हो सकते हैं. सो दैट यू शुड यूज क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स. यू शुड कट योर नेल्स रेगुलरली. आपको जो है रेगुलरली अपने नेल्स कट करने चाहिए. एंड यू नो वी विल यूज नेल कटर टू कट आर नेल्स. जब भी आपको नेल्स कट करने हैं, सीजर से कट नहीं करने. यू शुड यूज नेल कटर फॉर योर कटिंग ऑफ नेल्स. जब भी नेल्स कट करने हैं, यू शुड यूज नेल कटर. एंड ऑलवेज कट योर नेल्स प्रॉपरली. वॉश योर हैंड्स डेली. मैम आपको बोलती है, कीप वॉशिंग योर हैंड्स अगेन एंड अगेन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस. ओके किड्स,
Before and after eating the food, you should wash your hand with hand wash or soap. आपको जो है ना properly अपने hands को rub करके wash करना चाहिए. और ये आपको किससे protect करता है? Corona virus से भी. और अगर आप अपने हैंड्स को वॉश नहीं करोगे, ऐसे ही खाना खाओगे, तो आपकी बॉडी में क्या चले जाएंगे? जर्म्स और डस्ट चली जाएगी. सो यू शुड वॉश योर हैंड्स अगेन एंड आफ्टर एंड बिफोर द लंच. जब भी खाना खाना है उसके पहले भी और बाद में हैंड वॉश करने हैं. तो आज हमने बहुत सारी गुड हैबिट्स डिस्कस की. यू शुड फॉलो द गुड हैबिट्स. It will help you to become healthy and strong. Previous book. So now we will revise good habits from our previous book. So let's open the page number 13. अब हम पेज नंबर 13 पे सेम टॉपिक रिवाइज करेंगे. ओके, कट योर नेल्स रेगुलरली. आपको रेगुलरली अपने नेल्स कट करने हैं. टेक बाथ, मैंने ऑलरेडी बताया है, डेली टेक बाथ. ब्रश योर टीथ, हाउ मेनी टाइम्स? ट्वाइस अ डे. कॉम्ब योर हेयर एंड ऑल्सो अप्लाई द हेयर ऑयल. एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग अ फूड. ऑलवेज वियर क्लीन एंड नीट क्लोथ्स. हमेशा साफ धुले और आयरन क्लोथ से पहनने चाहिए. दीज आर गुड हैबिट्स. एंड वन थिंग मोर, वी ऑल्सो फॉलो द गुड मैनर्स. शुड फॉलो द गुड हैबिट्स इन योर डेली रूटीन. आपको अपने डेली रूटीन में इन गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, विच हेल्प यू टू बिकम स्ट्रॉन्ग, एक्टिव एंड फिट. So kids, bye. We will meet you again.